ठीक है, देखते हैं भारत में प्रसार के कारण। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हमारी क्लासेस जो है ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हो सकता है आपके मित्र हों जो यूपीएससी 2019 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी यूपीपीसीएल 2018 की मुख्य परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो आपसे ये अनुरोध करेंगे कि ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें या सब्सक्राइब भी करें। हो सकता है उनको इस एग्ज़ाम में काफ़ी किफ़ायत मिले या काफ़ी फ़ायदा मिले। तो देखिए आगे, भारत में प्रसार के कारण की अगर बात करें तो जब मैंने आतंकवाद को शुरू किया तो मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया था कि भारत में प्रसार के कारण क्या क्या थे। अगर इसकी फ्रेमिंग करें और आपको समझाने का प्रयास करें तो इस पॉइंट को हम उठा के यहाँ ऊपर रखते हैं, भारत में आतंकवाद प्रसार के कारण। पहला पॉइंट डालिएगा, सांप्रदायिक कारण। दूसरा, अशिक्षा या सांप्रदायिक अशिक्षा या बेरोजगारी। पड़ोसी देशों के साथ कटु संबंध, पड़ोसी देशों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है ये भी डिपेंड करता है कि खराब संबंध, अगर पड़ोसी देश खराब है तो जाहिर सी बात है ऐसे रास्तों को अपनाएगा। और एक बेसिक अवधारणा जो उग्रवाद के समय शुरू हुई थी, तो कह सकते हैं सरकार की ढुलमुल नीति। अगला टॉपिक है हमारा इसी में, सरकार की ढुलमुल नीति। और इसके आगे इसको मिटा रहे हैं, याद रखिएगा, नोट तो किए ही होंगे, असमान सामाजिक आर्थिक विकास, इसी से रिलेटेड है असमान सामाजिक आर्थिक विकास। अगर हम सांप्रदायिक कारण को समझने की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि आतंकवाद को किसी धर्म के रूप पर बढ़ावा देना, ठीक है, धर्म के रूप में बढ़ावा देना, या कह सकते हैं इसका केंद्र, जब आतंकवाद का केंद्र क्या हो जाए, धर्म हो जाए, तो इसी को नाम देते हैं संप्रदाय पर इसको विश्वव्यापी बनाना। ये भी एक कारण हो गया कि धर्म में असहज होगा, भारत की तरह विविधता नहीं होगी तो ऐसी चीजें पनपेगी ही पनपेगी, अशिक्षा बेरोजगारी नहीं होगी तो लोग आपका ब्रेन वॉश काफी इजली करेंगे, क्योंकि बेरोजगार हो आपके पास कोई काम नहीं है तो कुछ भी काम मिलेगा आप तैयार हो जाओगे जाने के लिए, अशिक्षित हो फिर भी बेरोजगार हो तो क्या होगा, अगर आपको कहेगा कि नहीं इसको मारने के लिए बंदूक चलाओ तो बंदूक चलाने के लिए कहोगे, हमारे धर्म के साथ गलत हो रहा है तो जाहिर सी बात है इनका कहना आप मानोगे और ये रास्ता तैयार कर लोगे। इसीलिए आजकल देखा जाए तो अच्छे अच्छे युवा, जैसे पुलवामा का अटैक हुआ तो स्कॉर्पियो से बड़ी RDS की गाड़ी लेके गया तो क्या हुआ, जाहिर सी बात है उन्होंने जिहाद का नारा दिया, उसको संप्रदायवाद का रूप दिया। अगर पड़ोसी देशों के साथ कटु संबंध है, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, चाइना हो गया, भारत हो गया, भारत के साथ चाइना हो गया और क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, तब इन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। सरकार की ढुलमुल नीतियां हैं, मतलब केंद्र में कौन है, जनता है। ढुलमुल नीतियां हैं मतलब ऐसी नीतियां हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं पर उनके ध्यान नहीं दिया गया, जनता के क्षेत्रीय समस्या को केंद्र में नहीं रखा गया। इससे क्या हुआ, वही हाल हुई लिट्टे वाली, किसान थे, आर्थिक सुधार की मांग कर रहे थे और समाज में सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, तो ये भी एक तरीका हो गया, गरीब गरीब होता जा रहा है, गरीब अमीर की खाई बढ़ती जा रही है। तो ये भारत में मूलभूत आतंकवाद के प्रसार के कारण है। इसी को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक फ्रेमिंग दिया आपको समझाने के लिए। अगर हमने भारत में कहाँ कहाँ आतंकवाद है बताया
तो जाहिर सी बात है इसी को बताया, उग्रवाद लोग क्यों हुए, इन्हीं नीतियों की वजह से तो हुए। अब इसके बाद टॉपिक में हमारे क्या था, आतंकवाद के प्रसार के बाद कि 26/11 के बाद या फिर पुलवामा के बाद लिंक कर सकते हैं कि भारत में कैसे कैसे सुधार हुए। अगर हम 26/11 की बात करें तो दिल्ली में एक होटल में विस्फोट हुआ था भयंकर, मुंबई में किसमें, ताज होटल में। इसके बाद भारत ने बहुत सारी कमियों को देखा, हालांकि मुंबई पुलिस और एनएसजी की काफ़ी सराहना की गई, लेकिन उनके आसूचना में, उनके प्रशिक्षण में जो भी कमियां आई, यहां पे बैठ के मशविरा लिया गया, राय लिया गया, समझा गया, अदर देशों भी से भी समझा गया कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं और उसे सुधार करने का प्रयास किया गया। तो पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, 26/11 के बाद या 26/11 के बाद सुधार, 26/11 के बाद सुधार, ठीक है। अगर 26/11 के बाद के सुधार की बात करें तो एनआईए की स्थापना की गई। एनआईए में क्या था, एनआईए में ये था, ये एक संघीय एजेंसी थी, केंद्र सरकार के अंडर में काम करती थी, भारत सरकार के आतंकवाद को रोकने के लिए ये एजेंसी बनाई गई थी। ध्यान दीजिएगा क्या था, इनके पास कुछ अधिकार दिए गए थे, क्या अधिकार थे, देश के किसी क्षेत्र में, ठीक है, आतंकवादी को, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा ना मिले, ये जाली मुद्रा की जांच कर सकते थे, मतलब जो भी विश्वव्यापी घटनाएं देश में घटित हो रही थी या देश के बाहर घटित हो रही थी, मानव तस्करी हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आ रहा था, अपराध हो रहा था, उनको रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई, एनआईए लाया गया। क्रम से देखिएगा, एक ही विकास नहीं किया गया है, 26/11 के बाद भारत में क्रमिक कई विकास किए गए। हाँ, एनआईए को स्ट्रांग करने के लिए जो भी विधायक लाया गया उसमें क्या क्या है ये भी हम मेंशन करेंगे। एनआईए आया, एनआईए के बाद हम कह सकते हैं क्रमिक विकास में नेटग्रिड की स्थापना हुई, नेटग्रिड काफी फेमस रहा है, ये बेसिकली टैक्स हो गया, बैंक खाता हो गया, इन सब चीज़ों का विवरण रखता है और सरकार को सूचना समय समय पर देता है। एमएससी है, एमएससी हो गया मल्टी एजेंसी सेंटर, नोट करते चलिएगा, नेटग्रिड हो गया, एमएससी का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, मल्टी एजेंसी सेंटर, ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर। हमारे पास एनएसजी का अभाव था, हालांकि एनएसजी की सराहना की गई, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एनएसजी के साथ चार सेंटर को बना दिया। एनएसजी का क्या किया, हमने विस्तार किया, इसके चार सेंटर हमने कहाँ कहाँ बनाए, इसके चार सेंटर हमने मुंबई में बनाए, और कहाँ पे बनाए, कर्नाटक में बनाया, चेन्नई में बनाया, और देखिए मुंबई हो गया, सॉरी देखिएगा, मुंबई में बनाया, कोलकाता में बनाया, चेन्नई में बनाया, और हैदराबाद में बनाया। एक समस्या और आई कि आतंकवादी भारत में प्रवेश कैसे किए, सड़कों पे तो हमने सिक्योरिटी थोड़ा बहुत लगा रखी थी, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आई तटीय नियमन क्षेत्रों को लेके, इसलिए हमने तटीय सुरक्षा का नवीनीकरण करना शुरू किया, जो भी कमियां आई तटीय सुरक्षा का नवीकरण किया, जो भी हमारे सामने कमियां आई उसको हमने दूर करने का प्रयास किया। किसी भी देश में इस लेवल का वर्क करना बेहद जरूरी है आतंकवाद को रोकने के लिए। इसी के बाद में, हालांकि इसके पहले की बात करें, एक 2002 में कांग्रेस सरकार में एनसीटीसी लाया गया था, आपको समझा रहे हैं, अब ये हालांकि खत्म हो चुका है क्योंकि विरोध हुआ, विरोध के बाद ये विधेयक पारित नहीं हो सका। तो एनसीटीसी में क्या था, एनसीटीसी थी बेसिकली नेशनल काउंटर टेररिस्ट सेंटर था, ये आतंकवाद से निपटने के लिए
बनाया गया था इसको। हाँ, 2012 में, बेहद इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी। अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा, अभी इससे हटके समझा रहे हैं, यूएसए में 9/11 की घटना हुई थी तो वहां पे एनसीटीसी का गठन किया गया। तो भारत ने उसको समझते हुए, ध्यान में रखते हुए, भारत में भी एनसीटीसी का कांग्रेस सरकार ने प्रस्ताव लाया, लेकिन जो गैर कांग्रेसी राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के उनके पास दो कारण थे। एक, जो अधिकार हमने एनआईए को दे रखा था, सीबीआई को दे रखा था, आईबी को दे रखा था, डायरेक्टली हमने किसको दे दिया, एनसीटीसी को दे दिया। उनका विरोध का एक कारण यह था। और दूसरा क्या था कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से परामर्श नहीं लिया गया था। उन्होंने कहा कि संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है हमारे साथ, इसलिए देखिए इतना बेहद कानून भारत में सरकारी नीतियों के चलते पारित नहीं हो सका। अगर पूछता है एनसीटीसी के बारे में, क्योंकि विश्व के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है, अमेरिका ने 9/11 के बाद अच्छी पहल की, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसके बारे में, एनसीटीसी के बारे में जितना मैंने बताया, इसका भी काम था आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए। तो आइए बात करते हैं एनआईए की। तो एनआईए का कार्य क्या था, नीचे लिखिएगा, संघीय एजेंसी थी भारत के अंतर्गत। संघीय एजेंसी थी आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए इसका भी विकास किया गया, ठीक है। आतंकवादी गतिविधियों की तहकीकात कर सकता था, जाली मुद्रा की तस्करी की, मानव तस्करी की, संगठित अपराध की, यहां तक कि परमाणु ऊर्जा के उल्लंघन का भी अधिकार इसके पास था। जाली मुद्रा से लेकर मानव तस्करी के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के उल्लंघन का अधिकार इसे दिया गया कि किसी भी देश में ये इन चीजों की जांच कर सकती है। वही चीजें नेट ग्रिड में थे, चीजें डिजिटलाइज होती जा रही थी, लोग पैसे निकाल रहे थे, तो किसी के खाते से ट्रांजैक्शन की संख्या अधिक हो रही थी, किसी व्यक्ति पर्सन के खातों को सीज करके पता लगाया जा सकता था कि ये व्यक्ति यहाँ पे छुपा हुआ है। तो बेसिकली नेट ग्रिड को लाने का हमारा उद्देश्य यह था कि कौन टैक्स पे है कि नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बैंक खातों का विवरण जानने के लिए, क्रेडिट कार्ड का लेन देन कहाँ कितना हुआ है, यहाँ तक कि वीजा आवेदन के लिए सरकार को सूचना एकत्र करके ये देती थी। नोट करिएगा, टैक्स हो गया, बैंक खाता हो गया, ठीक है, बैंक खाता या कह सकते हैं बैंक विवरण हो गया, कितना किसने क्रेडिट किया है या लेन देन किया है, वीजा आवेदन, ऐसी चीजों की जांच करके ये सरकार को देती थी। मैंने कहा किसी व्यक्ति ने इलीगल पैसा कमाया, उस पर टैक्स नहीं पे किया, हवाला के माध्यम से बाहर भेज दिया, तो ऐसा रोकने के लिए क्या लाया गया, नेट ग्रिड लाया गया। कोई पैसा कहाँ लेन देन कर रहा है, कितना लेन देन कर रहा है, सरकार के पास एक विवरण रखा जाता है। वीजा आवेदन के बारे में कौन कब कहाँ गया कैसे गया, इन सारी जानकारियों के लिए क्या आया हमारे सामने, नेट ग्रिड आया। ये सारे सुधार कब होना शुरू हुए, 26/11 के सबक के बाद, ठीक है। अब एमएससी में क्या है देखते हैं, मल्टी एजेंसी में, नोट तो करते ही चल रहे होंगे, ठीक है, मल्टी एजेंसी सेंटर, नाम से ही स्पष्ट है, ये कारगिल युद्ध के बाद, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। इसका काम क्या था, कारगिल युद्ध के बाद जो भी समस्याएं थी या इससे संबंधित प्राप्त सूचना थी, दैनिक आधार पर, मतलब पर डे, सरकार को देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये सूचना एजेंसियों के साथ
मिलकर काम करती थी, मतलब सूचना एजेंसियों के प्रतिनिधि को भेजती थी और उनसे सूचना लेके सरकार को देती थी। ये मल्टी एजेंसी सेंटर हो गया हमारा। एनएसजी के 4 सेंटरों का हमने विस्तार किया। इनका काम क्या था चारों सेंटरों का, कि मुश्किल हालात में प्रभावशाली कार्रवाई कर सकें। देश जब मुश्किल हालात में हो तब ये क्या करें, प्रभावशाली कार्रवाई के लिए इनके सेंटर को बढ़ा दिया गया, 4 सेंटर की स्थापना की गई। अब हमारे सामने अगला आता है तटीय सुरक्षा नवीकरण के लिए, तो हमने इस पे बहुत कम ध्यान दिया था, मतलब वहां पे हमने तटों पर चेक पोस्ट नहीं बना रखे थे, आउट पोस्ट नहीं बना कर रखे थे, मछुआरों को पहचान पत्र नहीं दिए थे, जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते थे उनको पहचानने का कोई आइडियाज नहीं था तो उनको पहचान पत्र देना शुरू किए, मुश्किल हालातों में उनकी नावों को किराए पे लेने की बातें यहाँ पे की गई। तो इसको यहाँ नोट कर देते हैं, तटीय सुरक्षा नवीकरण का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। जस्ट मुझे लग रहा है 2016 में ये क्वेश्चन आया था और फिर आने की संभावना है, इसलिए भारत ने तटीय क्षेत्रों के लिए क्या क्या विकास किया या आतंकवाद को तटीय क्षेत्रों में निपटने के लिए क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हो। हमारे सामने तटीय सुरक्षा संबंधित मुद्दे आते हैं तो पहला पॉइंट नोट डाउन करिएगा, क्या किया हमने बताया आपको तटीय सुरक्षा नियमन में हमने क्या किया, ठीक, तो पहले उसी को लिखिए। हमने तटरक्षक दलों की स्थापना की, पहले तटरक्षक दल समुद्री सीमा पर क्या किया हमने, तैनात किया, पहला पॉइंट हो गया। या सुझाव मांगे तो पहले हमें तटरक्षक दलों की स्थापना करना चाहिए समुद्री सीमा पर, ठीक है, नौसेना तैयार करना चाहिए कहां पे, समुद्री सीमा पर। तटीय क्षेत्रों में चेक पोस्ट बनाया जाए, आउट पोस्ट बनाया जाए और पुलिस स्टेशन की भी स्थापना की जाए। दूसरा पॉइंट है तटीय क्षेत्र में क्या करें, चेक पोस्ट बनाए, आउट पोस्ट बनाए और क्या बनाए, पुलिस स्टेशन की स्थापना करें। तटीय क्षेत्रों में चेक पोस्ट की स्थापना करें, आउट पोस्ट की स्थापना करें और पुलिस स्टेशन की स्थापना करें, यहां तक कि मछुआरों की नौका को किराए पर भी लेकर जांच करें, ठीक है। और हमने क्या बताया, जो तटीय गांवों में लोग रह रहे हैं उनको पहचान पत्र प्रोवाइड कराएं ताकि समय पे रात में जांच भी कर सकें कि ये लोग यहीं के निवासी हैं कि ये कोई और बाहर से आके घुल मिल गया है, ठीक है। तो मछुआरों से संबंधित दो इशू हो गए। फिर हमने एनसीटीसी के बारे में जाना कि 2016 में अमेरिका ने एनसीटीसी की स्थापना की 2012 में, तो हमने भी एनसीटीसी का विकास करना चाहा लेकिन गैर कांग्रेसी राज्यों ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, कि वहां के राज्यों के मुख्यमंत्री से परामर्श नहीं ली गई और एनसीटीसी को वो शक्तियां दी गई जो शक्तियां क्या कहते हैं किसको नहीं मिली थी, जो शक्तियां हमने किसको दे रखा था, सीबीआई को दे रखा था कि आप बिना पूछे कहीं भी जांच कर सकें। बेसिकली एनसीटीसी भी आतंकवाद से निपटने के लिए ही आया था, आतंकवाद से निपटना पहला पॉइंट, निपटना निगरानी करना, सरकार को सूचना देना। सोचिए अगर ये विकास भारत में राजनीतिक चपेटे में ना आता तो कितना अच्छा होता कि ऐसी एजेंसियां हमारे पास आज भारत में मौजूद होती। तो एक इसका विस्तृत अध्ययन हो गया, हो सकता है कभी आलोचना के लिए आए तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। तो आगे इसी से रिलेटेड करके हम बात करते हैं, एनसीटीसी हो गया हमारा। अब जैसे पिछले साल के क्वेश्चंस को हम देखते हैं, हमारे पास पिछले साल का एक क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस क्या है ये देखिए, ध्यान दीजिए। पिछले साल एक क्वेश्चंस आया हुआ है कि आतंकवाद की महाविपत्ति, क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हैं, आतंकवाद की महाविपत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या है, खतरा है, इस बढ़ते संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या हल सुझाते हैं,
ठीक है। देखिए इसका फ्रेमिंग कर रहे हैं, क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि आतंकवाद की महाविपत्ति। अब देखो आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसका यूटिलाइज करिएगा और देखिएगा सारे जवाब यहां से मिलेंगे। आतंकवाद की महाविपत्ति क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ क्वेश्चन में। दूसरा इसी को आगे बढ़ा रहा है कि इस बढ़ते संकट का नियंत्रण करने के लिए आप क्या हल सुझाते हैं या आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? पहला हमने कहा फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का होता है, आप क्या हल सुझाते हैं, और आतंकी फंडिंग कहां से हो रही है, आतंकी फंडिंग कहां से हो रही है। अब आपके सामने आया ना कि आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए किसका गठन हुआ हमारे सामने, एनए किसका हुआ भूल गए? विस्तृत रूप से मैंने पहले ही चर्चा कर दी थी, अच्छे से नहीं याद है भूल जाते हो, पढ़ के आया करो। FATF हमने कहा था ना, G7 शिखर सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि वित्तीय से संबंधित सूचनाओं के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं के लिए FATF का हमने गठन किया। कहाँ पे किया? पेरिस में किया, OECD के मुख्यालय के साथ साथ, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए था? आतंकी फंडिंग के लिए था। अब इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे क्वेश्चंस का? देखिए पहला पॉइंट क्या है, कि पहला पॉइंट नोट करेंगे कि आतंकवाद, देखिए समझिएगा हम यही फ्रेमिंग कर दे रहे हैं इस क्वेश्चंस की, और ये आया हुआ क्वेश्चंस है। अगर इसकी फ्रेमिंग करें, क्वेश्चन को तोड़ने का प्रयास करें, तो क्या पूछ रहा है? आतंकवाद महाविपत्ति के लिए, आतंकवाद महाविपत्ति के लिए, महाविपत्ति आतंकवाद की महाविपत्ति किसके लिए खतरा है? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तो पहला जवाब हमें देना पड़ेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये किस प्रकार खतरा है। पहला पॉइंट बना ना, कि पहले इसको हम एलाबोरेट करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किस प्रकार खतरा है। तो अभी हमने बताया फंडिंग होगी तो क्या होगा भैया? मानव तस्करी बढ़ेगी, फंडिंग होगी तो मानव तस्करी बढ़ेगी, इसके साथ साथ ड्रग की तस्करी बढ़ेगी। फ्रेमिंग करके छोड़ रहा हूं, देखिए हवाला बढ़ेगा, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं बढ़ी होंगी। अगर आतंकवाद को फंडिंग मिलेगा तो ये विश्वव्यापी संगठन के रूप में उभर कर आएंगे, विश्वव्यापी संगठन के रूप में उभर के आएंगे तो मानव तस्करी व्यापक स्तर पे होगी, एक से दूसरे देश में लड़कियां भेजी जाएंगी, बच्चे भेजे जाएंगे बाल श्रम के लिए, ये सारी चीजें घटनाएं व्याप्त होंगी। फिर इससे होगा क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ हमें लिखना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ ये अर्थव्यवस्था के लिए भी क्या होगा? अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस का पहला जवाब हो गया। अगर दूसरी बात करें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा और आतंकी फंडिंग कहां से हो रही है, तो हमने आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा निपटने का सुझाव, ठीक है। तो इससे निपटने का सुझाव हो गया क्या? वही चीजें, एक बेहतर कानून का निर्माण करें जो तटीय क्षेत्रों की भी निगरानी कर सके, FATF जैसे संस्थाओं का गठन हुआ इसकी जांच करने के लिए, या फिर कह सकते हैं बहुआयामी रणनीति की जरूरत है, NSG की जरूरत है, यहाँ तक कि सरकार नहीं NGO भी क्या कहते हैं, सरकार से मिलकर नागरिकों से मिलकर एक बेहतर रणनीति बनाए और समय समय पे सूचना प्रोवाइड कर रहे। ये हमारा ग्राउंड लेवल का वर्क हो गया। साइबर और संरचना की स्थापना किया जाए, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ये इन सबको मॉडर्न बनाया जाए। कानून की बात करें तो पुलिस को मॉडर्न किया जाए, साइबर सुरक्षा को मॉडर्न किया जाए। ये हो गया हमारे दूसरे टॉपिक का जवाब। इसी में था कि आतंकी निधियन के प्रमुख स्रोत क्या हैं, पूछ रहा है कि आतंकी फंडिंग कहां से हो रही है। तो एक बेसिक आइडिया देते हैं, फंडिंग कहां से होगी? मानव तस्करी होगी तो पैसा इधर से उधर जाएगा, ड्रग तस्करी होगा तो क्या होगा? पैसा इधर से उधर जाएगा। इस पैसे को क्या करेंगे? राष्ट्रीय सड़कों में, राष्ट्रीय राजमार्गों में, बांधों में, ठीक है, बांधों में एवं ग्रामीण विकास के
शेयर में लगाएंगे। और क्या करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पैसा वसूलते हैं, खनन माफियाओं से पैसा वसूलते हैं, ये सब यही तो काम करते हैं, खनन माफियाओं से पैसा लेते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से पैसा वसूलते हैं आतंकवाद के नाम पे, उन्हें फंडिंग हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को बेसिकली क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। एक क्वेश्चन की रोज डिस्कस करते हैं हम कि आतंकवाद को उद्योग का रूप क्यों दिया गया, बेसिकली इसका हम चर्चा भी काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं आपके सामने। तो ये होगा आए हुए क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन आतंकवाद के विषय में 2018 में आया है, आतंकवाद को किससे जोड़ के देखा गया है, समझा दे रहे हैं अच्छे से, इंडस्ट्री से। अब दिमाग लगाइए कि किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए, ठीक है, किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, उसको नोट करिएगा। पहले एकदम लिंक करा रहे हैं, ठीक है, इंडस्ट्री को लगाने के लिए भूमि चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, उद्यमशीलता चाहिए। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। अब देखो आतंकवाद के लिए क्या चाहिए, किसी ना किसी राष्ट्र में एक जगह पे तो इन्हें बसाया जाएगा ना, तो आतंकवाद के लिए भी तो भूमि की जरूरत है। इन जो लड़कों को मॉडिफाई कराया जा रहा है, जिहाद के नाम पे भड़काया जा रहा है, क्या बन रहे हैं, आतंकवाद बन रहे हैं। इनको श्रम की आवश्यकता क्या हो रही है, पूरी हो रही है। पूंजी कहाँ से मिल रही है, जो राज्य प्रायोजित भूमियाँ हैं अभी बताया, उनसे पैसे वसूल रहे हैं, खनन माफियाओं से पैसे ले रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग तस्करी हो रही है, तो इनको यहाँ से पूंजी भी मिल जा रही है। और उद्यमशीलता की बात करें तो नए नए नेता इसमें भी उभर के आ रहे हैं, जैसे जैसे इंडस्ट्री का प्रसार होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्री की शाखाएं विश्वव्यापी होती जाती हैं, वैसे वैसे आतंकवाद की भी शाखाएं विश्वव्यापी जो होती जाती हैं। किसी एक संगठन का नेता भारत में, कोई और उसका संस्थापक है तो उसे दूसरी कंपनी के ब्रांच का कोई और संस्थापक है, इस तरह से उनको उद्यमशीलता की भी प्राप्ति हो रही है। लेकिन अगर बात करें इसके निराकरण की लास्ट में, तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, कि उद्योग का कार्य होता है क्या करना, समाज का विकास करना, रोजगार देना, गरीबी दूर करना, और इसका कार्य क्या होता है, भय, ठीक है, कंक्लूजन में लिख सकते हो भय, नफरत, द्वेष, द्वेष, हिंसा का सहारा लेकर आतंकवाद को बढ़ाना। इससे क्या होगा, भय, नफरत, द्वेष, हिंसा को बढ़ावा देना। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि एक इंडस्ट्री जहाँ पे लगाई जाती है वहाँ पे ये डेवलपमेंट होते हैं, लेकिन अगर इसी तरह आतंकवाद को उद्योग माना गया तो इनका कार्य क्या रहेगा, भय, नफरत, हत्या, द्वेष, हिंसा का सहारा, या इनको बढ़ावा देना। ठीक है, समझ में आ गया। देखो और कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत पेपर है आपके सामने, देख लेते हैं। शायद मुझे लग रहा है दो ही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इस बार 2018 का है। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको हमने दे दिया ना, कि क्वेश्चंस को सॉल्व कराते चल रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर में हो सकता है कि स्टेट एग्जाम में सेंट्रल एग्जाम का क्या कहते हैं क्वेश्चन हूबहू आ जाए, या थोड़ा बहुत इसका परिवर्तन रूप आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। कोशिश करिएगा कि हमारी क्लासें ऑनलाइन अवेलेबल है, अपने मित्रों को भी इससे जोड़िएगा, उन्हें बताइएगा कि आप बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर सकते हैं, जो चीज़ें मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉपर क्लासें
आपके सामने होंगी, और वो भी एक क्रैश कोर्स के रूप में। अभी 15 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम